बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, ये कहना है उदित राज का। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज हैं उदित राज। उदित राज ने थामा है अब कांग्रेस का दामन। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उदित राज ने बुधवार को सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिन्होंने पार्टी में उनका स्वागत किया। कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है जो कभी दलितों का भला नहीं कर सकती है। उदित राज ने आगे कहा कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा वह साल 2014 के आसपास से ही कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट, बता दें कि उदित राज का टिकट काटकर बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दे दिया है जो एक गायक हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी संसदीय सीट से सांसद उदित राज ने मंगलवार को दावा किया कि उन पर भाजपा छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा ने इंडियन जस्टिस पार्टी के इस पूर्व प्रमुख को लोकसभा चुनाव के लिए इस बार टिकट नहीं दिया। भाजपा ने उनकी जगह गायक हंसराज हंस को टिकट दे दिया है और उदित राज का लास्ट मोमेंट तक टिकट नहीं होने दिया था। उनको आश्वासन में रखा था कि आपका टिकट कंफर्म है, अभी वेट कीजिए, लेकिन जब घोषणा हुई तो उसमें हंसराज हंस का नाम डाल दिया गया। जब 2018 में SC ST संशोधन पर बंद आयोजित हुआ, मैंने विरोध किया, इसलिए ही पार्टी ने नेतृत्व संभवतः मुझे नाराज हो गया है। जब सरकार की तरफ से कोई भर्ती नहीं हो रही तो क्या मुझे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? मैं दलित के मुद्दे उठाता रहूंगा, ये कहना है उदित राज का। उदित राज का ट्वीट अकाउंट दरअसल मंगलवार को टिकट नहीं मिलने की आशंका का देखते हुए हंसराज हंस के नाम के ऐलान से पहले उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने अपने अधिकारी ट्विट के अकाउंट अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द चौकीदार उदित राज हटा दिया था, मगर कुछ घंटों बाद उन्होंने फिर दोबारा लगा दिया था चौकीदार डॉक्टर उदित राज। ऐसे में अटकलें लगाए जाने लगी कि उदित राज मान गए हैं और वह पार्टी में बने रहेंगे, मगर बुधवार को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर बीजेपी को अपना फैसला सुना दिया। उदित ने मंगलवार की सुबह कुछ 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा से नामांकन दाखिल करूंगा, जहां से मैंने कड़ी मेहनत की है और खुद को साबित किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं खुद बीजेपी छोड़ने को मजबूर नहीं होऊंगा। बता दें कि दिल्ली में 12 मई को चुनाव होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।